वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मना है, हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। हम बात कर रहे थे ये प्यू सर्वे के हवाले से, काफ़ी सारी उसके एंगल्स हम कवर कर चुके हैं। जरदारी वर्सेस नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, जरदारी साहब के बारे में पूछा गया कि वो पॉपुलर उनके आप अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं। 2008 में नए नए जरदारी साहब आए थे, 64% पाकिस्तान कहता था जी ये हमें बचाएंगे। 2009 में 32% पाकिस्तान कहने लगा कि जी ये हमें बचाएंगे। 2010 में 20% पाकिस्तान कहने लगा कि जी ये शायद अभी भी बचा लेंगे। और 2011 में 11% पाकिस्तान कहता है कि जी ये हमें बचाएंगे, और बाकी 84% पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। उसके बरक्स नवाज शरीफ साहब, 76% पाकिस्तान 2008 में कहता था जी ये भी हमें बचाएंगे। उस वक्त आप समझे मुजाहिद साहब, 2008 में 64% समझते थे जरदारी साहब बचाएंगे, 76% समझते थे नवाज शरीफ साहब बचाएंगे। यानी दोनों के लिए एक काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो दोनों को समझते थे ये हमें बचाने आए। 2009 में नवाज शरीफ साहब और भी मशहूर हो गए, 79% पाकिस्तान कहने लगा ये हमें बचाएंगे। 2010 में 71% कहने लगा हमें बचाएंगे। इस वक्त 63% कहता है ये हमें बचाएंगे, ये हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं। ये जरदारी साहब से ज़रा अगर मैं शुरू करूँ, मुजाहिद साहब इस वक्त 11% कहता है कि जरदारी साहब हमें बचाएंगे। एक सेकेंड, बिन लादन के मरने से पहले 20% पाकिस्तान जो है वो बिन लादन को पसंद करता था। यानी इस वक्त पाकिस्तान में अभी 18% करता है, इस वक्त पाकिस्तान में बिन लादन को पसंद करने वाले ज़्यादा हैं, जरदारी साहब को पसंद करने वाले कम। मैं फिर इसको एक मजाक खेज और बोगस एदाद शुमार करते हुए कहूँगा जी, अगर आप पॉलिटिकल मानों में कहें जरदारी पुअर जरदारी का हामी तो शायद 5% भी लोग नहीं कहलाएं। अगर लेकिन जनाब यही पॉलिटिकल सिस्टम है, यही स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने ये कहा कि जी आखिरी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जरदारी जिसको नॉमिनेट करता है लोग उसे वोट देते हैं। और इस वक्त भी अगर आप इलेक्शन करा लें, मैं कोई उस तरह का इनके सर्वे की तरह दावा नहीं करता, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के वोट, अभी देखें कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, आज़ाद कश्मीर जो आपके सामने भी आ जाएगा इसके रिजल्ट, जहां मियां साहब ने बड़ा दंगल इस वक्त लगाया हुआ है, कभी मखाने परसों इसके रिजल्ट आएंगे, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पीपल्स पार्टी शायद दूसरे नंबर पर, अगर पहले नंबर पर पार्टी नहीं हुई, और यकीनन अगर वो मुस्लिम कौम के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रही होगी। तो कहने मतलब ये कि इन सर्वों की बुनियाद पर हम लुफानंदोज़ हो सकते हैं, कुछ अल्फाज की जगलरी है, कुछ लोग इस पर शायद तालियां बजाएं, कुछ करें, कुछ इस बुनियाद पर अपने बेचारे मखाने थीसिस वीसिस देखने लगें, लेकिन सियासी मानों में इस तरह के सर्वे की कोई अहमियत ना होती है ना आइंदा होगी। मोइन जाफरी, अच्छा मुजाहिद साहब, तालिबान को अफगानिस्तान वापस अगर मिल जाए तो 26% पाकिस्तान कहता है बड़ा अच्छा होगा। जनाब एक तो ये कि तालिबान काबुल में वापस नहीं आएंगे, वो तालिबान जिनका ख्वाब देख रहे थे, अगर पे बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं होती, तालिबान ऐसे ही है जैसे आप इराक पर एक जमाने में कह रहे थे इराक में सद्दाम हुसैन वापस नहीं आएगा, ना उसकी आला नहीं, उसकी आल औलाद, उसकी सियासत वापस नहीं आएगी। जैसे भुट्टो को मार दिया ना मुजाहिद साहब, अगर औलाद को और उसको नहीं मारा होता तो आज वो अमेरिकन से ज्यादा मशहूर होता। आप देखें सद्दाम हुसैन की पॉलिटिक्स को इराक में शिकस्त हो गई है। इस तरह जो समझ लेते हैं कि भले आप इस तरह अफगानिस्तान में अगर आप ये समझ लें कि मुल्ला उमर काबुल का हुक्मरान दोबारा नहीं हो सकता, ये एक बात तय है। पास्ट ये कोई भी अगर ये जिस तरह के तबसरे आप तरीके लें, जिस तरह मैं सद्दाम हुसैन के बारे में कह रहा हूँ, वजह यह है कि दुनिया में दहशतगर्दी तकरीबकारी टेररिस्ट इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 2003 में अगर आपसे कोई पूछता तो आप इतनी ही वसीफरस तरीके से, मैं भी आप भी यही कहते कि आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का कभी सदर नहीं हो सकता। ये देखें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जरदारी नहीं, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, आप 2003 में कह रहे हैं, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आसिफ जरदारी के साथ कबूल कर लिया गया था। देखिए पॉलिटिकल रियलिटीज अलग होती हैं, पसंद नापसंद अलग होती है। पसंद की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आज अमरीका 10 साल लड़ने के बाद $3 खरब फेंकने के बाद $2 अरब हफ्ता खर्च करने के बाद अफगानिस्तान में आज कहता है यार ये तालिबान अलग है, अलकायदा अलग है, ये तालिबान के वो जो वन आइड आदमी है उसको पकड़ो जरा, मुल्ला उमर को इससे जरा बात करनी है 10 साल बाद। जनाब आपको पता है कि मेरे ख्याल में दुनिया के सबसे बड़े शातिर हुक्मरान अमेरिकन हैं, ये रूल कर रहे हैं जनाब पिछले 50 साल, और जब कोल्ड वॉर के बाद तो उन्हें और आसान हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने वियतनाम वॉर में कोई 58,000 फौजी अपने दिए थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरियन वॉर में 67,000 फौजी दिए थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने गल्फ वॉर में 42,000 फौजी दिए थे। दुनिया वो समझते हैं नेशनल इंटरेस्ट में 50-60,000 इवन
अमरीकनों का भाग, और आपने ये भी देखा उन 60,000, 40,000, 50,000 अमरीकनों के बच्चे बेवाएं सड़कों पे भी वाशिंगटन में नहीं खड़े होते, वो समझते हैं कि जी वो उसको प्राउड समझते हैं, उन्हें वो मुकाम दिया जाता है, खरबों डॉलर उनके लिए नहीं है। वजह यह है कि सुपर पावर अमरीका, ये उनके लिए ये मामूली बातें जिनको हम इस तरह बनाकर पेश करते हैं, वाशिंगटन दूसरी निगाह से देखता है मोहित जाफरी इन चीज़ों को। सही, अगर तालिबान अफगानिस्तान में राज कर ले और 26% पाकिस्तान कह रहा है अच्छा है, तो मेरी नज़र में इसलिए कह रहा है इसलिए सारे यहाँ के वहाँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए जैसे मैंने कहा ना कि अभी एक तालिबान भी एक किस तरह आज तक ये जितने भी जो वॉर लॉर्ड्स हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, तालिबान ना कभी कामयाब हुए, हमारे ही ट्रकों और गाड़ियों में बैठकर, बेचारे बाबर साहब की गाड़ी में बैठकर जो है वो चले गए, और जिस तरह जो करजई आके बैठा ना कंधार में, और उसके करजई जो है वो आपको पता है कितने, वो कोई मेरे ख्याल में कोई 50-55 करोड़ डॉलर लेके बैठ गया था, और वॉर आ रहे थे, पैसे ले रहे थे, और कंधार से लेकर सीधा रास्ता काबुल को जा रहा था। तालिबान भी इसी तरह पहुंचे थे, कोई लड़ लड़ के नहीं पहुंचे थे, कहीं कोई नहीं, कोई किसी कहीं लड़ाई हुई थी। आप अगर तालिबान की फुतुहात पर डालें, तालिबान की मुदायमत ही नहीं हुई, छोड़ के चले गए, क्योंकि जो उनके सरपरस्त थे, चाहे वो इस्लामाबाद था और वाशिंगटन, उन्होंने ही तालिबान को बिठाला, उन्होंने ही निकाला, उन्होंने ही करजई को लाए, वही करजई। जनाब मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मैं काबुल इस दौरान भी 2-3 बार गया हूं, करजई तो महफूज तरीन हुक्मरान है, 7 साल में कितने हमले उस पे हुए, शायद आपके सदर पे और ज्यादा हुए होंगे प्राइम मिनिस्टरों पे, हमारे भी गए। करजई के साथ क्या हुआ है, पिछले कितने साल से बैठा हुआ है जनाब, आराम से पार्लियामेंट भी लेके बैठा हुआ है, अराकीन असेंबली वहां घूम फिर रहे हैं, जरा लोग जाए तो ना आजकल काबुल लेने पर चलेगा, शायद कराची से ज्यादा उनको काबुल जो है महफूज होटल लगे। मैं सरीना होटल गया, मुझे सरीना होटल वहां से ज्यादा अच्छा लगा। जैसा शो खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि काबुल जो है वो कराची से बेहतर हालात जो है, उन मामलों में शो जब शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से ज्यादा फेल स्टेट हो ही नहीं सकता। ये तो आप जब आए थे ना तालिबान पर, जब मैं कह रहा था उस पर ही मैं आया हूँ ना। सर ये दहशत गर्दी और खुदकुश हमलावर पे खत्म करते हैं शो, या फिर इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं इस वाले सब्जेक्ट पे, संजीदा सब्जेक्ट पे। 19% लोग फलस्तीन में जो रहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि जी दहशतगर्द हमला कभी भी जायज़ हो सकता है, तो 19% कहते हैं कि कभी नहीं जायज़। यानी कि 81% फलस्तीनी अवाम कहती है कि जी दहशतगर्दी का हमला बिल्कुल जायज़ है फलस्तीन, क्योंकि उनका स्ट्रगल कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है, वो पिस किसी अलग तरह से रहे हैं। मिस्र के अंदर 38% लोग कहते हैं कि जी दहशतगर्द हमले कभी भी जायज़ नहीं है, यानी कि 62% लोग कहते हैं कि हैं जायज़ कभी कभी अगर बहुत संगीन मामलात हों। उससे ही करीब नंबर लबनान में कहते हैं कि जी कभी जायज़ नहीं है, अक्सरियत कहती है जायज़ है। इसराइल में अक्सरियत कहती है जायज़ है, ये इसलिए कि इसराइल में अक्सरियत जो है मुसलमानों की रहती है और जबर के नीचे रहती है। उर्दन में 55% कहते हैं कभी जायज़ नहीं है, यानी कि इनकी माइनॉरिटी, इनकी अखलियत कहती है कि कभी कभी जायज़ हैं। टर्की में 60% कहते हैं कि जी खुदकुश हमले जो हैं वो कभी जायज़ नहीं है, 40% कहते हैं कभी कभी जायज़ हो जाते हैं, ये भी इसलिए वो फलस्तीन की तरफ निगाह रखते हैं। और पाकिस्तान में क्या करेंगे, मैं ऊपर आ रहा हूँ। 77% इंडोनेशिया में समझते हैं कि कभी जायज़ नहीं है, 23% यानी कि वो कहते हैं कि जी कभी कभी जायज़ हो जाते हैं। पाकिस्तान में 85% पाकिस्तानी कहता है कि ये कभी भी जायज़ नहीं है। और ये नंबर मेरे ख्याल से इसलिए पाकिस्तान में सबसे फेवरेबल है, इसलिए कि हमने जितने खुदकुश देखे हैं वो इन लोगों ने शायद किताबों में भी नहीं पढ़े होंगे। दुरुस्त। और आपके ख्याल में ये भी फिर एक ये नंबर अगर पहले लिया जाता, ये नंबर पहले लेने की कभी तसव्वुर किया नहीं था उन्होंने ज़रूरत, अब ये बदकिस्मती से एक ज़रूरत समझना शुरू हो गए कि जी खुदकुश हमलों के आप साथ हैं या खिलाफ हैं। तो ये नंबर हार्टनिंग है, कम अज़ कम 85% आवाम इस बात पर साथ खड़ी है कि जी हमला जो है। उसकी वजह ये थी कि जमात इस्लामी की सरबरा काजी हुसैन अहमद जैसे लोग 4 साल पहले जब उनको इंटरव्यू करते थे तो वो जब मैं उन्हें बताता था कि जनाब ये बताइए जो ज़िबा किया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर एक गैर मुल्की को ये जायज़ है, तो वो कहते थे जनाब जब दीवार से लगाएंगे तो फला फला एक तूफान दलाइल का वो हमारे सामने पेश कर देते थे। अब आज हाँ ये नहीं मानते थे, लेकिन अब जमात इस्लामी जैसी जमात मजबूर हो गई ये कहने पर, क्योंकि जब उसने देखा गली मोहल्लों बाजारों मस्जिदों इमामबारगाहों दफ्तरों घरों, और खुद जमात इस्लामी भी इससे महफूज नहीं रही, तो अब मौलाना फजल रहमान और काजी हुसैन अहमद ये जवाब नहीं पेश करते कि खुदकश हमला एक मजबूरी के तहत, खुरे धमाके एक मजबूरी के तहत करते हैं, और शायद यही ये जो पूरे सर्वे की एक खुशाइन बात है। सही, मुझे सब शो खत्म करना है, आप मुझे एक बात बताइए, ये जमात इस्लामी की बातों को आप अगर इतनी अहमियत देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वोट नहीं मिलता इन्हें, सर अगर वोट नहीं मिलता और ना मिलेगा अगर आप कहते हैं, तो फिर इनकी बात इतनी क्यों मानी जाती है? दरअसल ये एक लाख लोग निकल आते हैं, एक सोच की नुमाइंदगी करती है ये जो जमात इस्लामी या वल रवान, हम सिम्बोलिकली इनको देखते हैं। ये तो है कि ये कभी वोट के जरिए ये इस्लामाबाद पे नहीं बैठेंगे जैसे मैंने कहा तालिबान, लेकिन बात जैसे ईदी मौलाना ईदी और इमरान खान, इनको एक इंसानियत के खैरख्वाह की हैसियत से
तो 100% लोग इनके साथ हैं, लेकिन सियासतदान और हुक्मरा की हैसियत से शायद मुश्किल से इन्हें 20% लोग पसंद करें। सही मुजाहिद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स आप देख रहे थे सियासत मना है, आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए, SMH@CNBCPakistan.com पर लिख के भेजिए। बैक विद यू नेक्स्ट वीक।